अब बेहद सुरक्षित रहेगा आपका ऑनलाइन पेमेंट का डेटा। बदलते दौर में ऑनलाइन पेमेंट तेजी से बढ़ा है, पर साथ ही बढ़ा है ऑनलाइन ठगी का धंधा, जिसमें आपके पेमेंट डेटा की सुरक्षित जानकारी लीक कर आपको चूना लगाया जा सकता था, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। आप में से कई लोग गूगल पे, अमेजॉन, उबर और ओला कैब्स जैसी यूपीआई के पेमेंट्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते होंगे। फिलहाल भारत में ऐसे 39 थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूपीआई का पेमेंट्स प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ मई में इसके जरिए 37 करोड़ 35 लाख लेनदेन हुए थे, जिसकी कुल वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए थी। इस आंकड़े से यूजर्स की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ग्लोबल पेमेंट कंपनियों में गया भारतीयों का डेटा कैसे सुरक्षित रहे, इस पर बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर आरबीआई डेटा लोकलाइजेशन के लिए अपने फैसले पर अड़ा हुआ है। उसने फिर से साफ किया है कि कस्टमर्स का पूरा पेमेंट डेटा देश में ही रखा जाएगा। कंपनियों को पेमेंट से जुड़े सभी डेटा भारत में स्टोर करने होंगे। अगर पेमेंट की प्रोसेसिंग किसी दूसरे देश में पूरी हुई है तो उससे जुड़े डेटा को वहां डिलीट किया जाना चाहिए और प्रोसेसिंग के 24 घंटे के भीतर उसे वापस लाया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आरबीआई की मंजूरी के बाद ही इसे ओवरसीज रेगुलेटर के साथ साझा किया जा सकेगा। इसके बाद अब सभी कंपनियों को पेमेंट से जुड़ा डेटा भारत में रखना सुनिश्चित करना होगा। कंपनीज के ऊपर निर्भर करता है कि उनका अपने स्टोरेज सर्वर्स कहाँ हैं, लेकिन अभी रिसेंटली आरबीआई और इंडियन डेटा प्राइवेसी बिल के प्रावधान के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन का डेटा लोकली स्टोर होना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो डेटा भारत में। अब इससे फेसबुक के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग ऐप की डिजिटल पेमेंट सर्विस के भारत में कमर्शियल लॉन्च का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने पेमेंट बिजनेस के लिए भारत में डेटा स्टोरेज की व्यवस्था तैयार कर ली है। व्हाट्सएप ने डेटा लोकलाइजेशन से जुड़ा काम पूरा कर लिया है और अब ऑडिटर इस पर रेगुलेटर के पास रिपोर्ट देगा, जिसके बाद कंपनी पेमेंट एप्लीकेशन के साथ लाइव हो सकती है। व्हाट्सएप यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर आधारित अपनी सेवा को सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के साथ शुरू करेगी। इसके बाद व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस से एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई भी जुड़ सकते हैं। सिर्फ हम डेटा वहां से उठा के यहां मूव करने की और परमानेंटली यहां स्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज को अपना डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया में बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरी राय में कि बहुत कोई लंबा समय लगना चाहिए। 3 या 6 महीने की विंडो बहुत होगी इसके लिए और उस समय में ये ट्रांजिशन पूरा हो जाना चाहिए। व्हाट्सएप ने पेमेंट सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट 1 साल पहले लॉन्च किया था। उसके बाद से वो डेटा लोकलाइजेशन से लेकर फेक न्यूज और फेसबुक को लेकर प्राइवेसी संबंधी विवादों से घिरा रहा। उसने पिछले साल आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप में पेमेंट फीचर को लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बीटा सर्विस तक ही सीमित रखना पड़ा था। लेकिन अब आरबीआई की सख्ती के बाद न सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि सभी ग्लोबल पेमेंट कंपनियों में गया आपका डेटा सुरक्षित होगा और किसी तरह के फ्रॉड की गुंजाइश बेहद कम हो जाएगी। तो अभी तक तो जो प्रावधान है वो कंपनीज के ऊपर था, लेकिन अब इस पे कानून आ रहा है, एक आरबीआई की गाइडलाइंस आ रही है, जिसके तहत आने वाले समय में ये सारा डेटा इंडिया में स्टोर होगा। जाहिर है दुनिया के साथ तकनीक में कदम से कदम मिलाकर चलता भारत अपने देशवासियों के ऑनलाइन डेटा सुरक्षा को लेकर भी बेहद जागरूक है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं। आने वाले दिनों में बिना डर के करिए ग्लोबल पेमेंट कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।